हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं मेरा अमेज़न हॉल। और अमेज़न पे सेल स्टार्ट हो गई है, आई थिंक आज से ही, आज और कल दो दिन की सेल है। सो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करने वाली हूं। तो आप लोग को शायद कोई आइडिया लग जाए, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेने हो तो आप ले सकते हैं। मैंने इन्हें पहले ही मंगा लिया, कुछ चीज़ें मैं पहले से यूज़ कर रही हूं, दो तीन महीने पहले या कुछ महीने पहले मंगा लिया था, और मोस्टली चीज़ें मैंने अभी मंगाई है बिकॉज मेरे बच्चे का बर्थडे आने वाला है। सो उसकी तैयारी में हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ अभी आ ही रहे हैं रास्ते में। बट जो चीज़ें हैं मेरे पास एक कंबाइन हॉल में कर सकती हूँ, वो मैंने आज इंक्लूड कर लिए हैं। और बाकी के और हॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करना भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी अभी उसके बर्थडे पे। सो यस, बहुत सारी डिटेलिंग हो गई। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, 7-8 प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, और वो सारे होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। कुछ एक आध चीज़ें हैं जो किचन में भी हैं, किचन से रिलेटेड भी हैं। सो इस तरीके से मैं होम से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने रिटर्न कर दी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, इन केस अगर आप उसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या फ्लॉस थे जो मैंने उनको रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ गैजेट से। तो मैंने एक ये कीबोर्ड ऑर्डर किया था, ये मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर कर लिया था, बिकॉज़ मेरे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर ही पूरा काम नहीं कर पा रहा था और मुझे कंप्यूटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये एक कीबोर्ड है जो मैंने ऑर्डर किया था, ये मुझे ठीक लगा बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब एक्चुअली क्या है कि इसकी जो ये केबल है ये लूज़ है, तो बार बार इसको चाहे आप लैपटॉप में फ़िट करो चाहे कंप्यूटर में फ़िट करो, ये बार बार हिल जाता है, तो ये थोड़ा सा लूज़ लगा मुझे। बाकी उसके अलावा तो इसकी फिनिशिंग और काम जो है नॉर्मल कीबोर्ड जैसे करते हैं वैसा करता ही है। तो ये एक है, और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो प्राइस एंड डिटेलिंग्स, बिकॉज मुझे सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस याद नहीं है। तो ये फर्स्ट आइटम मेरा हो गया। सेकेंड आइटम जो मैंने लिया है वो है एक ये ट्रिमर, ये मेन ट्रिमर है, मतलब ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के लिए लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि शॉपिंग चल रही है आरफ के बर्थडे के लिए, सो हमें उसका हेयर कट भी करना था, तो हमने एक अच्छा ट्रिमर लेने का सोचा, तो हमने ये फ़िलिप्स का लिया है, बिकॉज़ फ़िलिप्स के बहुत सारे टूल्स मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, ट्रस्टेड ब्रांड है। सो ये वाला ट्रिमर हमने लिया है और हम यूज़ भी कर चुके हैं इसे। हालांकि इसके साथ कोई आउटर बॉक्स नहीं आया था फिलिप्स का, अमेज़ॉन का जो बॉक्स आता था वो ही आया था, लेकिन हाँ इसको हमने एक दो बार यूज़ भी कर लिया है। अभी ये मतलब कुछ ही टाइम पहले आया है, एक हफ़्ता हुआ होगा इसे, एक हफ़्ता 10 दिन आए हुए हो गया। सो ये ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हस्बैंड को, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती बट उनको अच्छा लग रहा है, सो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो इनकेस अगर आपको मॉडल वगैरह जो भी जानना होगा वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थर्ड चीज़ है ये एक नाइट लैम्प बोल सकते हैं इसको, ये मुझे बहुत ही प्रिटी लग रहा है, ये मैंने मेरे पास काफ़ी पहले से है, ये काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो ये मुझे ड्यूरेबल भी लगा, और इसका भी लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका जो खास बात ये है कि आप इसे बस इस तरीके से प्लग इन कर दीजिए और जैसे ही लाइट ऑफ होती है, अंधेरा होता है, ये अपने आप ऑन हो जाता है, लाइट जल जाती है इसमें, और जैसे लाइट इसको रोशनी मिलती है तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत ही जलने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें और भी एक दो डिज़ाइंस भी थे बट ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ऐसे मेरे पास दो हैं। सो यस, ये काफ़ी सही लगा मुझे, काफ़ी अच्छी मतलब एक नाइट लैम्प के जैसे प्रॉपरली काम करता है, एकदम बहुत ज़्यादा तेज रोशनी भी नहीं आती है, और जब जलता है ना तो इसका जो लुक आता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मेरा नेक्स्ट आइटम था। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है वुडन की चेन, जो यहाँ पर मैं क्लिप लगा देती हूँ। सो यस, ये वुडन की चेन मैंने पहले ही ले ली है और ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी कर रही हूँ। सो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक मिल गया, अच्छा भी लगता है डेकोर में, वुडन में है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम मुझे ये हुई थी कि मुझे इसे 3 बार रिटर्न करना पड़ा, 3 बार रिटर्न करने के बाद ये मुझे रिसीव हुआ इस हालत में, क्योंकि 2-3 बार तो इसका ग्लास ही टूटा हुआ आ गया या कुछ कुछ इसमें डैमेजेस हो गए थे, तो उस वजह से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ रहा था। और मैंने देखा कि अमेज़ॉन से वुडन का आप कोई भी चीज़ मंगाते हो तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि एक बार में नहीं सही आ पाता है, वो एक बार में पहले डैमेज आता है एंड देन फिर आपको रिटर्न या रिप्लेस करना पड़ता है। सो एनीवेज, ये वाला जो पर्टिकुलर जो मैंने लिया है ये मुझे सही लगा, और अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ बेडशीट्स भी ऑर्डर की हैं क्योंकि बर्थडे आ रहा है तो मुझे नई बेडशीट्स चाहिए थी। सो ये एक बेडशीट मैंने ऑर्डर की है,
ये इस तरीके से है। मैं यहाँ पर इसका एक फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ कहीं पर, तो आपको इसकी डिटेलिंग दिख जाएगी। मैंने इसे खोल करके बिछा करके चेक कर लिया है साइज़ वगैरह के हिसाब से, तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे भी ये बॉम्बे डाइंग ब्रांड का है, यस ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ये इसकी क्वालिटी, वैसे भी बॉम्बे डाइन मुझे बहुत ही पसंद है इसकी क्वालिटी, और इसका जो लेंथ वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड आता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 बेडशीट्स हैं बॉम्बे डाइन के और मुझे अच्छी लगती है। तो ये इस तरीके से मल्टी कलर में हम लोगों ने ऑर्डर किया है और ब्राइट है, तो बिछने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और किंग साइज़ बेड के लिए इसका साइज़ जो है वो एप्ट है, और इसका जो पिलो है वो भी फुल साइज़ आता है, क्योंकि हमारे पास जो जैसे ये वाला जो हमारा पिलो है ना, ये वाला ये छोटा है, तो इससे बड़ा वाला अगर आपके पास पिलो है ना तो उसके हिसाब से इसका ये वाले उसका साइज़ है। हालांकि ये जो आप पीछे कवर्स देख रहे हो ये भी बॉम्बे डाइन की ही है, बट ये उनका दूसरा कलेक्शन है। एनीवेज तो ये बेडशीट एक मैंने ऑर्डर की है, मैं इसको खोल करके यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी थोड़ा सा आपको देखने के लिए, या फिर मैं काम करती हूँ आपको पिलो कवर्स दिखा देती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो ये इस तरीके से इसका प्रिंट है, आप देख सकते हो ऐसी पूरी बेडशीट में ये प्रिंट है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। सो यस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ब्राइट है और मल्टी कलर होने की वजह से कलर ऐड करता है। अगर आपका रूम जो है वो लाइट कलर के आपके रूम में कलर वगैरह है, सो ये इसमें कलर पॉपअप देगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये। और हमने प्लान किया कि शायद आरव के बर्थडे पे हम यही वाली बेडशीट बिछाएंगे, बट हमने सोचा है कि सेल जो चल रही है उसमें एक नया ब्रांड भी हमने एक्सप्लोर किया है बेडशीट का, जो कि है ये। एक्चुअली क्या ऑनलाइन बेडशीट मंगाने में प्रॉब्लम यही रहती है कि मटेरियल कैसा निकलेगा, साइज़ का क्या दिक्कतें बताते कुछ है आता कुछ है, इस चक्कर में मैं दूसरे ब्रांड्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। बॉम्बे डाइन का स्टैंडर्ड रहता है तो वही हमेशा ऑर्डर करती हूँ उनके से, अगर मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ। बट इस बार हम लोगों ने सोचा कि नया कुछ ब्रांड भी ट्राई करते हैं, तो हमने ये वाला, ये जो है ब्लॉजम करके एक ब्रांड है, इसकी बेडशीट हमने ऑर्डर की है, और ये ग्रे कलर में है। मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका जो कलर है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये इस तरीके से कलर में है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ये बॉर्डर पे है और ये इस तरीके से ग्रे कलर में है ये। तो ये बहुत ही, हमने जब इसे बिछा के देखा, इसकी मैं फ़ोटो यहाँ पर लगा दूंगी आप देखना, ये बहुत ही रॉयल, जैसे वो वाली है ना वो फंकी सी बेडशीट है, बट ये जब बिछती है तो एक रॉयल लुक देती है, पूरा ग्रे कलर के, और सेंटर में गोल सा एक डिज़ाइन बना हुआ है ये लाइट पिंक कलर के अंदर, तो बहुत ही प्रिटी लगा। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा कॉटन है, एंड इसके अंदर मुझे एक चीज़ लगी कि जो इसका बॉर्डर है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बॉर्डर है ना इसका, ये मुझे इतना फिनिश्ड नहीं लग रहा था, मतलब फिनिश्ड नहीं लग रहा था मुझे उतना। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ, इसकी प्राइस की बात करूँ, और इसका साइज़ जो है, अगर आपके पास किंग साइज़ का बेड है तो वो वाले से भी बड़ा इसका है, एकदम फुल साइज़ बेडशीट है, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बेडशीट चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और मैंने जैसे बताया कि अभी सेल चल रही है तो हम लोगों ने सोचा कि एक दो बेडशीट और इसी ब्रांड की ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मटेरियल और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। आई थिंक बॉम्बे डाइन की प्राइस रेंज में ही है, मुझे प्राइस याद नहीं है, मैं यहाँ स्क्रीन पर या तो लगा दूंगी और नहीं तो लिंक आपको दे ही दूंगी। इसका पिलो कवर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से आता है, ये आप देख रहे हो ये डिज़ाइन, इसी तरीके का उसमें डिज़ाइन बना हुआ है सेंटर में, बहुत सुंदर हमें ये बेडशीट लगी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमने जस्ट इसे ट्रायल पे ही मंगाया था, बट ये बहुत ही परफेक्ट मुझे लगी बेडशीट प्राइस की क्वालिटी के हिसाब से। इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है और ये कॉटन ही है, और इसका साइज़ भी उस वाले साइज़ से बड़ा है, मैं आई थिंक दोबारा ये चीज़ें बोल दी, बट ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं आज इसका दो बेडशीट कम से कम और ऑर्डर प्लेस करूँगी, अगर मुझे जितना मैंने पे किया उससे कम डिस्काउंट पर मिलेगा इन दैट केस। नेक्स्ट मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स ऑर्डर किए हैं, ये कुछ इस साइज़ में और इस साइज़ में, एक्चुअली पैक आता है 5 का पैक आता है, ये मैंने थोड़ा पहले ही ले लिया था बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए मुझे चाहिए था, बहुत सारा फर्नीचर का काम हुआ था घर में, तो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें कुछ ऐसा छोटा मोटा सामान आपको रखना हो तो ये, इसके लिए बाथरूम में भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये है, और ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह में या ड्रॉअर्स वगैरह में इसको रखा है अरेंज करने के लिए। सो ये 5 का और ये भी 5 का, इसकी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी
स्टर्डी है ये और साइज़ भी इसका सही है। ड्रॉर्स वगैरह का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसमें ये तीन या चार जो है वो फिट हो जाती हैं, तो मुझे ये काफ़ी सही लगा था। तो ये मैंने लिया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दो इस टाइप की मतलब साइज़ की मैंने ली है। इसमें आप बॉटल्स वगैरह अरेंज कर सकते हो, मेकअप वगैरह अरेंज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है ये लाइट्स, ये लाइट्स है डेकोरेटिव लाइट्स हैं, क्योंकि बर्थडे आ रहा है मैंने जैसे कि बताया, तो उसके लिए है ये लाइट्स। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, उसका मैं सेपरेट हॉल भी बनाऊंगी जब सारा सामान आ जाएगा। तो ये डेकोरेटिव लाइट है, काफ़ी अच्छी है ये, हर्ट में हैंगिंग में है ये और हर्ट शेप में है, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो यस, ये एक मैंने लिया है, इसको अभी हमने टेस्ट नहीं किया है, तो लेट्स सी कि ये कैसी रहेगी, होपफुली अच्छी रहेगी। उसके अलावा मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर परचेज़ किया है। सो वो मैं यहाँ पर लाकर आपको नहीं दिखा सकती, यहाँ पर एक क्लिप ऐड कर दूंगी जब मैंने उसे अनबॉक्स किया था। अभी उसे 3-4 दिन ही हुए अनबॉक्स किए हुए मुझे, और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वैक्यूम क्लीनर ऑपरेट किया। सो वो व्लॉग मैंने शूट किया है, जल्दी वो व्लॉग आपको देखने को मिलेगा कि वैक्यूम क्लीनर कैसा था और मैंने उसे कैसे ऑपरेट किया, उसके रिजल्ट्स क्या थे, वो सब आपको उस व्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैंने एक वैक्यूम क्लीनर फाइनली ले लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। और तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ उसके बारे में कि वो काफ़ी अच्छा वैक्यूम क्लीनर मैंने लिया है, और वो वेट एंड ड्राई दोनों मोड पर काम करता है। सो यहाँ पर एक क्लिप मैं लगा दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट, और ये मैंने कुछ फ्रिज बास्केट्स ऑर्डर किए हैं, ये इस तरीके से हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, एंड ये इतना इसका जो साइज़ है वो ये है। सो ये मैंने लिया है, ये 4 का एक सेट आया है। सो ये इसकी क्वालिटी जो है वो ठीक है, मतलब जैसे ये वाली जो बास्केट्स थी ये इससे ज़्यादा स्टर्डी है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और लाइट वेट भी है। लेकिन हाँ, ये देखिए थोड़ा सा ये दब भी रहा है, बट चलेगा मुझे लगता है कि इतना प्राइस के अंदर जो मिला है मुझे, तो ये सही है। सो मैं इसे कई वे में यूज़, वैसे तो मैंने इसे फ्रिज के लिए ही मंगाया है, बट इसे मल्टीपर्पज़ वे में कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो ये मैंने मंगाया है। उसके अलावा भी मैंने दो चीज़ें जैसे कि मैंने बताया जो रिटर्न की थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक मैंने वॉल प्लेट्स जो आती है ना, डेकोरेटिव प्लेट्स होती हैं, वो मैंने ऑर्डर की थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, इनका प्रिंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे उनको रिटर्न इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके पीछे जो क्लिप थी वो काफ़ी लूज़ थी, तो अगर उसको हैंग करते हैं और कभी भी कुछ टच हो गया या काफ़ी तेज़ हवा चली या कोई भी रीज़न की वजह से वो फॉल हो सकता है, गिर सकता है, तो डैमेज हो जाएगा कोई भी चीज़ अगर हमने कहीं पे रखा है। सो इस पर्पज़ से मैंने रिस्क ना लेते हुए उसको रिटर्न कर दिया। एंड सेकेंड चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो ये जो टिश्यू रोल हैंग करने के लिए आता है वो मैंने ऑर्डर किया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो काफ़ी टाइम से मैंने कार्ट में ऐड कर रखा था, बट क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेकार था वो, उसकी क्वालिटी और उसका प्राइस बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। साथ में उसके अंदर जो हैंग करने के लिए वो स्टर्डी भी बिल्कुल नहीं था और चिपकाने वाला था, मतलब जो एडहेसिव्स आते हैं वो वाले उस पर बेस था, तो मुझे वो स्टर्डी नहीं लगा। और साथ में उसमें एक बस मोटा वाला जो टिश्यू रोल होता है वो तो हैंग हो जाएगा, उसके अलावा जो ऊपर फोटो में तो दिख रहा है कि और भी चीज़ें इसमें लाइक एल्युमिनियम फॉइल है या फिर प्लास्टिक फॉइल है, वो सब उसमें रोल हो जाएंगी, तो वो सब उसमें रोल नहीं हो, मतलब मुझे नहीं लगा कि वो उसमें हो पाएंगी, क्योंकि उसमें जो गैप था वो काफ़ी कम था। एंड साथ में मैं जो यूज़ करती हूँ रीयूजेबल टिश्यूज़ भी यूज़ करती हूँ, पेपर टिश्यूज़ भी यूज़ करती हूँ, तो वो सब कुछ उसमें नहीं आ सकता था, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। एंड मैं अगर आप उसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसे बिल्कुल ना लीजिए, वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। सो यस गाइज, ये था आज का मेरा हॉल। आई होप कि आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप क्या लेने वाले हैं इस बार सेल से। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉल्स एंड व्लॉग्स आने वाले हैं, बिकॉज आरव का बर्थडे आने वाला है, तो कौन सी बेडशीट इनमें से मैंने बिछाई, कैसे मैंने डेकोरेशन किया और सब कुछ, और भी बहुत सारे हॉल्स, स्किन केयर हॉल अमेजोन के ही मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारा कंटेंट मेरे पास इस वक्त है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और यस, तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।